पूरे देश में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब मतगणना की तैयारी चल रही है। 4 जून को लोकसभा चुनाव का फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाएगा। फिलहाल रिजल्ट घोषित होने के ठीक पहले मंदिर और मूर्तियों के शहर अयोध्या में गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश की गई है। देश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनी, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, इसको लेकर अब दुआओं का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के लिए अल्लाह से दुआ मांगी है, तो तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने स्वास्ति वाचन का पाठ कर प्रभु से आशीर्वाद मांगा है। इतना ही नहीं, तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य और इकबाल अंसारी ने प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ को लेकर दुआओं का दौर शुरू कर दिए हैं। जब तक प्रधानमंत्री मोदी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार नहीं बना लेते, तब तक यह दोनों लोग दुआओं करते रहेंगे। चुनाव परिणाम घोषित होने में महज 24 घंटे बचे हुए हैं। सबकी निगाहें जो है चुनाव परिणाम पर टिकी हुई हैं। वहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि ये अयोध्या है। यहाँ मुस्लिम समाज के अगुआ इकबाल भाई अंसारी अपने मजहब के हिसाब से एक तरफ दुआ मांग रहे हैं, वहीं मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य मैं वेद मंत्रों का पाठ करके और लगातार भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, क्योंकि मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी जी के नेतृत्व में देश निरंतर जो है आगे बढ़ रहा है और POK बहुत जल्दी भारत की सीमा में सम्मिलित होने वाला है, भारत अखंड होने वाला है और तमाम काम राष्ट्रहित में मोदी जी कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास अगर है तो मोदी जी हैं तो है। बाकी और जितने नेता हैं वो तो वंशवाद, वो सोचते हैं बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता, माने वो अपना कब्जा करके राजनीति पर रखना चाहते हैं। जातिवाद परिवारवाद तुष्टिकरण हावी है। मोदी जी में न कोई जातिवाद, न कोई परिवारवाद, न कोई तुष्टिकरण, राष्ट्रवाद है और राष्ट्र ही सर्वोपरि है। इसलिए मोदी जी के लिए आज हम लोग जो है पूजा पाठ में जुट गए हैं। आज हमने जो है तो वेद की ऋचाओं का पारायण किया है और भगवान से प्रार्थना किया है। हमने मांगा है कि मोदी जी तीसरी बार पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बने और इसी में राष्ट्र का हित और देश की जनता का हित है। हम लोग लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं, करते रहे। देखिए, आज अयोध्या की धरती से जगत गुरु प्रभंसाचार्य इकबाल अंसारी, ये अयोध्या की ऐसी धरती है कि पूरी धरती देवी देवताओं से भरी हुई है। हिंदू और मुस्लिम, सिख ईसाई के सारे देवी देवता अयोध्या में विराजमान है। अयोध्या में संतों की पूजा है, परिक्रमा होता है, अयोध्या में संत पूजा करते हैं, अयोध्या में देश विदेश के लोग संतों का आशीर्वाद लेने आते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेने आते हैं। और जो कुछ भी है, आज अयोध्या की धरती से हम लोग दुआएं मांग रहे हैं कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या से खुशहाली जो है पूरे देश में जाएगी और हम लोग भी खुश होंगे, साधु संत खुश होंगे, यहाँ तक कि देवी देवता भी खुश होंगे। देखिए, दुआएं तो हम इसलिए मांगते हैं कि जब लोग अच्छा काम करते हैं तो दुआएं उसी के लिए मांगी जाती हैं। जो लोग अच्छे होते हैं उनके लिए हम लोग दुआ करते हैं। तो अब ये दुआएं जब तक काउंटिंग नहीं शुरू होगा तब तक करेंगे? बिल्कुल, जो है जब तक काउंटिंग शुरू नहीं होता, तब तक प्रधानमंत्री बन नहीं जाते, हम लोग दुआएं मांगते रहेंगे और जगत गुरु प्रभंसाचार्य जो है वो अपना पूजा पाठ जो है वो सब करते रहेंगे।